नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मिस्टर टेकी और आज मैं लेकर आया हूं Huawei 6X का ड्रॉप टेस्ट। जी हां दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने इसका वाटर टेस्ट किया था। अगर आप वो वीडियो मिस कर चुके हैं तो कोई बात नहीं, मैंने वो डिस्क्रिप्शन में लिख दिया है, आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों आज मैं इस फोन का ड्रॉप टेस्ट करने जा रहा हूँ और एज यूजुअल आई विल ट्राई टू रेप्लिकेट द सिनेरियो जो एक कॉमन मैन के साथ होता है डेली लाइफ में। आई विल बी ड्रॉपिंग दिस डिवाइस फ्रॉम थ्री लेवल। सबसे पहले मैं इसको नी लेवल की हाइट से ड्रॉप करूंगा, देन आई विल बी ड्रॉपिंग इट फ्रॉम अ वेस्ट लेवल हाइट एंड देन फ्रॉम अ 6 फीट शोल्डर लेवल हाइट। सो मैं देखूंगा कि ये कैसे परफॉर्म करता है। और देर ना करते हुए दोस्तों चलते हैं इसकी ड्रॉप टेस्ट की तरफ और देखते हैं कि क्या रिजल्ट रहेंगे। तो अभी फिलहाल ये डिवाइस परफेक्टली काम कर रहा है। वाटर टेस्ट के बाद भी इसमें थोड़ी सी फ्लिकरिंग प्रॉब्लम आई थी, बट देन अगेन इट वाज वर्किंग परफेक्टली फाइन। एंड यस, एक अपडेट है वाटर टेस्ट की कि जब मैंने इस फोन को 3 दिन इसको मैंने राइस बॉक्स में रखा, सो स्पीकर भी काम करने लग गया। राइट, जैसे मैं आपको दिखाऊं इसमें, गिव मी अ सेकंड। राइट, सो मैं एक रिंगटोन आपको प्ले करके दिखाता हूं। राइट, सो अब स्पीकर में वो डिस्टॉर्शन बिल्कुल नहीं आ रहा है जो उस दिन वाटर टेस्ट के बाद आ रहा था। सो अब ये चीज बिल्कुल ठीक हो चुकी है। सो दिस इज एन अपडेट फ्रॉम द वाटर टेस्ट। अब मैं सबसे पहले, जैसे मैंने आपको बताया था, सिनेरियोस आई विल बी रिप्लिकेटिंग। सो आई विल ड्रॉप दिस फ्रॉम नी लेवल एंड देन आई विल ड्रॉप इट फ्रॉम वेस्ट लेवल से ड्रॉप करूंगा और उसके बाद मैं इसको शोल्डर लेवल से ड्रॉप करूंगा। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले इसको ड्रॉप करते हैं नी लेवल से और देखते हैं कि क्या रिजल्ट रहेगा। जो ओरिएंटेशन रहेगी फोन ड्रॉप करने की, मैं इसको स्क्रीन की ओरिएंटेशन पे ही इसको ड्रॉप करूंगा एंड मैं चेक करूंगा कि स्क्रीन टूटती है या नहीं टूटती। अब मैं इसको सबसे पहले ड्रॉप करने जा रहा हूं फ्रॉम द नी लेंथ। सो देखते हैं। सो ओरिएंटेशन स्क्रीन की तरफ ही है। सो लेट मी ड्रॉप इट। 1 2। राइट, सो लेट मी सी फोन ठीक है या नहीं। ओके, तो फोन अभी बिल्कुल ठीक लग रहा है। नो स्क्रैचेस एट ऑल, कोई डेंट नहीं है फोन पे, सरवाइव कर गया है अभी तक फिलहाल। तो दोस्तों जैसे हमने देखा कि जब मैंने इसको ड्रॉप किया फ्रॉम नी लेंथ, सो इट हैज सरवाइव। लेट मी ड्रॉप इट फ्रॉम द वेस्ट लेंथ और उसके बाद देखते हैं कि ये फोन सरवाइव करता है या नहीं इस ड्रॉप टेस्ट में। तो मैं अगेन ओरिएंटेशन स्क्रीन की तरफ रखूंगा, मैं इसको ड्रॉप करने जा रहा हूँ। तो 1 2। राइट, सो ओरिएंटेशन थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, बट अगेन मैं चेक करता हूँ फोन को कुछ हुआ है या नहीं। तो फोन अभी बिल्कुल ठीक है, इस तरफ भी कोई नहीं है, बट अगेन आई विल ड्रॉप इट वन सेकेंड बिकॉज ओरिएंटेशन खराब हो गया था। सो 1 2। ओके, देखते हैं। राइट, सो परफेक्टली फाइन, कोई दिक्कत नहीं, एक भी डेंट स्क्रैच कुछ नहीं है, डिस्प्ले भी बिल्कुल सही है, ग्लास भी बिल्कुल सही है, टच भी काम कर रहा है। ओके, एंड पीछे की तरफ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है फोन में। राइट, सो दोनों टेस्ट सरवाइव कर लिए हैं, अब चलते हैं फाइनल टेस्ट की तरफ। राइट दोस्तों, सो अब टाइम है द फाइनल ड्रॉप टेस्ट, जिसमें मैं इसको ड्रॉप करूंगा फ्रॉम करीब करीब 6 फीट हाइट से, दैट शोल्डर हाइट। सो लेट मी ड्रॉप इट फ्रॉम दिस हाइट। ओके, सो बेसिकली फोन में अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल सही है। सो लेट मी ड्रॉप इट वंस अगेन। ओके, सो 1 2। राइट, सो अब जो ओरिएंटेशन थी बिल्कुल स्क्रीन के ऊपर थी। सो लेट मी सी कि फोन काम कर रहा है या नहीं और कैसी है। यस, फाइनली स्क्रीन टूट गई है जैसा मुझे लगा ही था कि जनरली इस हाइट से फोन को अगर ड्रॉप करते हैं तो वो सरवाइव नहीं करते हैं, एंड अगेन सेम इसके साथ भी यही हुआ। बट जैसे हमने रेडमी नोट 4 के साथ किया था जब इस टेस्ट को, तो एक चीज हमने देखी थी कि डिस्प्ले के अंदर भी स्पॉट्स आ गए थे, बट इसमें ऐसा नहीं हुआ है, इसमें सिर्फ स्क्रीन में क्रैक्स आ गए हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि जो ग्लास है ऊपर वो टूट चुका है, बट डिस्प्ले अभी भी काम कर रहा है एंड टच भी अभी भी काम कर रहा है। सो राइट दोस्तों, इस ड्रॉप टेस्ट का आउटकम क्या निकलता है, नी हाइट से और वेस्ट हाइट से जब हमने इसको ड्रॉप किया तो फोन सरवाइव कर दिया
किया, ग्लास ब्रेक भी नहीं किया, बट जैसे ही हमने इसको 6 feet एक शोल्डर हाइट से ड्रॉप किया विद द ओरिएंटेशन जो था हमने स्क्रीन की साइड के रखा है, तो आप देख सकते हैं ग्लास टूट गया है फोन का। और जो अच्छी बात यह है कि दूसरी बारी में ये ग्लास टूटा है, सो प्रॉब्ली मैं ये कह सकता हूँ कि रेडमी नोट 4 से ज्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि रेडमी नोट 4 में एक ही बारी में ग्लास टूट गया था, बट इसमें जैसे हम देख सकते हैं कि ग्लास जो है जब हमने दो बार इसको ड्रॉप टेस्ट किया, दूसरे ड्रॉप टेस्ट में ये ग्लास टूटा है। बट यस, डिस्प्ले बिल्कुल फंक्शनल है, डिस्प्ले में कोई भी स्पॉट डेवलप नहीं हुआ, एंड जैसे आप देख सकते हैं टच भी परफेक्टली काम कर रहा है, इवन अदर फंक्शंस लाइक टच आईडी सब काम कर रहे हैं। अगर मैं कैमरा भी देखूं, अगेन द कैमरा इज ऑल्सो वर्किंग परफेक्टली फाइन। मैं अगर फ्रंट कैमरा चेक करूं तो यस, फ्रंट कैमरा भी परफेक्टली काम कर रहा है, बाकी फंक्शनैलिटी भी फोन की एज इट इज है। सो दोस्तों, ये था ड्रॉप टेस्ट Huawei Honor 6X का। आई गेस मेरे हिसाब से ये डिवाइस काफी अच्छा परफॉर्म करके गया है, बीइंग अ मिड रेंज डिवाइस, इट हैज परफॉर्म बेटर देन Redmi Note 4। सो दोस्तों, ये था ड्रॉप टेस्ट Redmi Note 4 का। बताइएगा आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करिए, अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक करिए, और ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।